दोस्तों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हमेशा से वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोणों से विशिष्ट घटना रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जहां ग्रहण को एक खगोलीय घटना माना जाता है, तो वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण का संदर्भ पौराणिक घटना से जोड़ा जाता है। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 19 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा की तिथि भी है। बता दें कि वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टिकोणों से चंद्र ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। विज्ञान भी मानता है कि ग्रहण के काल में कई ऐसे रेडिएंट्स निकलते हैं जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे में इस दौरान कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। तो अगर आप नहीं जानते हैं कौन से हैं वो काम, तो आइए इस वीडियो में हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। हिंदू धर्म में ग्रहण को अशुभ माना जाता है, इसीलिए ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। यहां तक कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के समय में भगवान का नाम जपने और भजन करने का विधान है, लेकिन इस काल में मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं और ग्रहण के बाद स्नान करके पूजन किया जाता है। ग्रहण के काल में कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। इस काल में खाना पीना पूरी तरह वर्जित है। ग्रहण काल में खाना बनाना भी शुभ नहीं माना जाता है। पहले से बने भोजन में तुलसी का पत्ता डालकर ढककर रखना चाहिए। ग्रहण काल में निकलने वाली हानिकारक रेडियंस से बचाव के लिए भी ऐसा करना लाभप्रद है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। चंद्र ग्रहण के काल में दूध देने वाले पशुओं, गाय और भैंसों पर गोबर तथा स्वास्तिक का शुभ चिन्ह बनाना चाहिए। ग्रहण के काल में पेड़ पौधों को तोड़ना या छूना मना किया जाता है। तुलसी के पत्ते ग्रहण काल के पहले तोड़ लेने चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करके ही भगवान का पूजन करके ही नए काम शुरू करने चाहिए। चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए दान जरूर करना चाहिए। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।